आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरा सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामदर वैली और नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल तैयबी से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सऊदी क़यादत से इलाकाई अमन सलामती और दोतरफा दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी क़यादत से सिक्योरिटी तआवुन समेत दिलचस्पी के वसीतर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बिरादराना तालुकात पर रोशनी डाली और कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बिरादराना और मजबूत तालुकात हैं। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद का कहना था, सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।